Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we studied about the mean at on individual and personal series. Now we study our next topic is mean on discrete series. Discrete series के basis पे अपन क्या करेंगे? मीन की कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, तो फर्स्टली अपन उनके फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले क्या है, उसके बाद में अपन देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट तो अपना है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार को अपन मीन को एक्स बार से करेंगे शो. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एफ एक्स क्या होगा अपना? एफ एक्स इज टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल का जो टोटल होगा वो अपना क्या होगा? एफ एक्स होगा. एंड एन इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड मेथड अपना एज्यूम्ड. Assumed mean method. Assumed mean method का फॉर्मूला है x bar is equal to sigma sigma एफ डी अपॉन एन. एक्स बार सॉरी एफ डी सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू टोटल ऑफ डी एंड frequency n is equal to total of frequency d calculation x minus a. Step deviation. Step deviation method. X
bar is equal to A plus sigma F D dash upon N into C. A is equal to assumed assumed इसमें भी आएगा assumed assumed mean assumed value ठीक है ठीक है and एफ डी एन वैसे सेम रहेंगे सी अपनी क्या आ जाएगी कॉमन वैल्यू जो है ये अपने क्या होंगे फॉर्मूले होंगे डायरेक्ट मेथड अज्यूम्ड मेथड के अकॉर्डिंग एंड स्टेप डिविएशन मेथड के अब इनको अपन क्या करते हैं अभी कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखो आप फर्स्ट एग्जांपल है प्लॉट्स इन हाउसिंग कॉलोनी कम्स इन ओनली थ्री साइज 100 स्क्वायर मीटर 200 स्क्वायर मीटर एंड 300 स्क्वायर मीटर एंड द number of plots are respectively 200 50 and 10 so x is 100 direct method ke according karte hain 100 200 and 300 and f is 200 50 and 10 x bar ka direct method ke according formula hai sigma fx upon n fx ka calculation kaise karenge f ko x se into kar denge theek hai f into x theek hai तो एफ एक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो एफ को एक्स से इंटू करेंगे ठीक है ना एक्स इंटू एफ ठीक है तो वो क्या आएगा अपना एफ एक्स आएगा तो कितना आ गया इसमें एक्स बार एफ एक्स तो अपना आ गया 33,000 एक्स एफ एक्स 33,000 एंड एफ 260 फॉर्मूले में पुट अप करेंगे 33,000 डिवाइडेड बाय 260 10 से बन गया डिवाइड करेंगे इसको थर्टी थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड तो आएंगे डिवाइड करेंगे अपन इसको तो आएगा अपना
126.92 square meter. ओके, अब इसी को अपन उस मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, नहीं क्या ना? एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के बेसिस पे अपन इसी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आता है। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है अपना एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। फर्स्टली अपने को क्या करना होगा, एज्यूम डी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? डी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एक्स माइनस ए से, ठीक है? एक्स में से सबसे शॉर्ट वैल्यू अपन ले रहे हैं, ए है अपनी 100, सपोज दैट 100 लिया अपन ने, तो क्या हो गया अपना, पहले तो कुछ नहीं आएगा डी अपना, फिर 100, फिर 200, फिर सेकंड जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो आएगा अपना एफ डी, एफ कितना है अपना 200 है और डी अपने को ये दे रखा है, ठीक है? इसमें कितना आएगा अपना, कोई वैल्यू नहीं आएगी, 5000 एंड 2000, एफ डी का टोटल आया अपना 7000, ठीक है? फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, ए अपन ने कितना माना है 100, एज्यूम्ड जो अपनी वैल्यू वो 100 है, सिग्मा एफ डी कितना है 7000 एंड एन जो अपनी वो कितनी है 260। एक्स बार इज इक्वल टू 100 प्लस 0 से 0 कट हुआ, 700 डिवाइडेड बाय 26, डिवाइडेड बाय 26, 26 टाइम जाएगा ना, 26.92 आएगा। एक्स बार इज इक्वल टू 126.92 स्क्वायर मीटर, ओके। ये क्या हो गया अपने डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेशन हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज से अपन देखते हैं मीन की कैलकुलेशन। मीन कंटिन्यूअस सीरीज, देखो
कंटिन्यूअस सीरीज से फॉर्मूला सब करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला होगा अपना। डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एंड स्टेप डिविएशन मेथड सेम फॉर्मूला रहेगा, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप मेथड R is equal to A plus sigma F D plus form N into C। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज, ग्रुप के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड मार्क्स है, मार्क्स इज 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 32, 40, 42, 50 ग्रुप दे रखे अपने को, 10 10 का डिफरेंस है, 50 टू 60 एंड 60 टू 70। इक्वल जो इंटरवल दे रखी है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी अपनी 1 2। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, fx अपॉन n है तो fx की कैलकुलेट करेंगे तो fx के लिए अपने को पहले इसकी क्या करनी होगी, मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, ग्रुप्स दे रखे हैं तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अब अपन क्या करेंगे, इनकी मिड वैल्यू लेंगे, वो अपनी क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपनी जो मिड वैल्यू कितनी आ गई, ये अपनी क्या होगी, अब x होगी। ठीक है, तो क्या होगी अपनी, 5 15 25 35 45 55 एंड 65, ये क्या होगी अपनी मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू है, f अपने को दे रखा है, अपन क्या करेंगे उससे fx कैलकुलेट करेंगे। तो fx क्या होगा, f into x, तो कितना हो गया अपना 25, 15 को 12 से इंटू करेंगे कितने आएंगे अपने 180, एंड
35 को 25 से इंटू करो, 35 को 25 से इंटू करो कितना? 875. फोर्टी फाइव को एट से इंटू करेंगे 360, 55 को थ्री से इंटू करेंगे 165, एंड 65 को टू से इंटू करेंगे 130, ठीक है। एफ एक्स का टोटल कितना आ गया अपना, टोटल करो एफ एक्स का टोटल, टू थाउजेंड वन हंड्रेड टेन, टू थाउजेंड वन हंड्रेड टेन, यही आ रहे टू थाउजेंड वन हंड्रेड टेन, ठीक है। ये तो अपना क्या हो गई एफ एक्स, और n कितनी है अपनी, n इज इक्वल टू, n का टोटल क्या है, सेवेंटी होगा, n टोटल इज 70। ओके, फॉर्मूले पुट अप करेंगे, x बार इज इक्वल टू एफ एक्स आर अपना 2110 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 70, x बार इज इक्वल टू 10 से 10 कट हुआ और 211 डिवाइडेड बाय 7, 211 डिवाइडेड बाय 7 30.14 मार्क्स, 30.14 मार्क्स। स्टेप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, स्टेप डिवीजन है, x अपने को क्या दे रखा है और मार्क्स, अपने मार्क्स क्या है देखते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 0 टू 10 20 30 टू 40 सॉरी 20 टू 40 30 टू 40 40 टू 50 50 टू 60 72 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या अपनी एफ, एफ इज 5 12 15 25 8 3 2, मिड वैल्यू एक्स 5 15 25 35 45 55 and 65, ठीक है। फर्स्टली हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला अपना इसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा
एफ डी डैश ऑन एन इंटू सी, ठीक है। फर्स्टली अपने को क्या कैलकुल एज्यूम्ड करना होगा इसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है। एज्यूम किया एक्स में से, तो एक्स अपन ने सपोज दैट क्या किया ए माना, तो डी अपन कैलकुलेट करेंगे, तो डी अपना कैसे आएगा एक्स माइनस ए से, ठीक है। डी पहले डी निकालेंगे फिर डी डैश आएगा, तो डी अपना कितना है एज्यूम अपन ने किया है 5, ठीक है। और एक्स अपने को दे रखा है तो कितना है फर्स्ट फर्स्ट की जो वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये अपना क्या हो गया डी आ गया, ठीक है। डी हो गया अपना, ठीक है। और इसमें अपने को कॉमन वैल्यू है से अपने कॉमन वैल्यू लिए इसमें, कोई भी कॉमन वैल्यू आप लोग जैसे सपोज दैट इसमें ले रखा है इन्होंने 35 ले रहे हैं अपन कॉमन वैल्यू, डी डैश निकालेंगे अपन तो कैसे आएगा एक्स माइनस ए अपॉन सी से, एक्स माइनस ए अपॉन सी से, एक्स माइनस ए तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपॉन सी डिवाइड करना अपने को, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे जैसे मान लो 35 लिया, तो 35 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। फर्स्टली फिर इसका कितना है 10 डिवाइडेड बाय 35, पॉइंटों में आएंगे ना आप, जीरो पॉइंट थ्री फाइव, में तो जिस स्मॉल वैल्यू ले क्या, कोई भी पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू देखते हैं अपन जैसे हाँ ये तो एक, ये तो अपना आ गया ऊपर, ठीक है। एक्स माइनस ए का तो कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपने को एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी करना है, एक्स माइनस ए तो ये है, अब डिवाइडेड बाई सी करेंगे तो अपना डी डैश आएगा, ठीक है। डी बार तो अपना, अब इसमें क्या होगा भाई देखो आप, तो अपन इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी अपन ने जो सी किया गया कॉमन वैल्यू लिया है 35, सी अपना सी कितना है अपना 35 है, कोई इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू लिया, ठीक है। तो उसमें से अपने को क्या करना है डिवाइड करना है, अब स्मॉल वैल्यू लेके देखें क्या 35 के बेसिस पे देखो आप कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 35, 20 डिवाइडेड बाय 35, 30 डिवाइडेड बाय 35, 40 डिवाइडेड बाय 35, 50 डिवाइडेड बाय 35, मतलब सब में इन सारी वैल्यू में 35 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो करोगे तो कितना आता है, या कोई पर्टिकुलर प्लस में देखें, कोई पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू ले जिसमें इजीली हो, ठीक है। जैसे अपन सी 35 मान के देखते हैं, 15 सी अपन 15 मान लेते हैं, या 5 करें, 5 से इजी हो जाएगा, नहीं क्या सी अपन 5 करके देखते हैं, नहीं क्या सी अपना जो कॉम जैसे कॉमन वैल्यू जैसे अपन ने मान लिया सी है 5 से अगर हो जाएगा देखते करते हैं कितना हो गया। अभी इसका तो 0 आ गया फर्स्ट का, तो फिर 5 10 से डिवाइड करेंगे कितने आएंगे 2, इस सब में 5 से डिवाइड करेंगे जितनी वैल्यू है 10, तो 10 क्या हो गए 2 आ गए, इसमें कितने आ गए 4 6 8 10 एंड 12, देखते आता है टोटल करोगे तो कितना आ रहा है इसका 42, ठीक है। 42 प्लस में आ रहे हैं ना, फॉर्मूले में देखते हैं क्या होता है अपना,
x bar is equal to a plus sigma, x bar is equal to a plus sigma f d bar upon n into c. x bar is equal to, x bar upon ne kitna mana isme 5 plus fd कितना है 42 fd बार है ना, ये अपना क्या आ गया, सॉरी fd बार तो अभी निकला ही नहीं है ना, fd बार तो अपने को निकालना पड़ेगा, इस वैल्यू को f से इनटू करेंगे तो अपनी fd बार आएगा, ठीक है। तो fd बार अपन कैलकुलेट करते हैं पहले, बाद में फॉर्मूले पुट अप करेंगे। fd बार कैलकुलेट करेंगे तो एफ को से इनटू करेंगे, ठीक है ना, कितना होगा 0 और 12 को 2 से इनटू करोगे कितना आएंगे 24, 60, 15 को 4 से इनटू करोगे एंड 25 को 6 से करेंगे अपन 150, को करेंगे 30 एंड 24, इनका टोटल करना होगा आपको कितना आता है देखो, हाँ 352, 352, ठीक है। x bar इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बार अपॉन एन इनटू सी, x बार इज इक्वल टू ए है अपना 5, एफ डी बार अपना आया 352, एन इज इक्वल टू एन है अपना फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना था इसका 70 और सी अपना कितना था एज्यूम किया अपने 5, देखो आप कितना था, पहले इसको इनटू करना फिर डिवाइड करना, 352 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 70, डिवाइडेड बाय 70, 10 से 10 गए, 176 डिवाइडेड बाय 7, x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 25.14, अपना आंसर क्या आ गया, x बार इज इक्वल टू 30.14 मार्क्स, सेम आ रहा, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करेंगे इसमें कैलकुलेशन होगी, ठीक है, स्टेप डिविजन मेथड।